तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। मैं तो बोल रही हूँ राजलक्ष्मी, लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया है। ये ना तो मेरी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे। इस क्वेश्चन पेपर को किसने निकाला? मैंने निकाला है। किसी आदमी को का हक है किसी की भावनाओं को यूं दबा देने का हक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी जज्बात जाहिर करने की पूरी इजाजत है। देखा, चाय पानी का जरूरत नहीं है, बस आ जाइएगा। हाँ, वो जो हम लठमार होली के लिए लठ लाए थे वो जरा ले आइए। अरे कौन है ये बकरा? सरोजी देखना, हम हैं। अरे तुम्हारे पति हस्बैंड। दैया रे दैया, ये क्या हुआ? हमरा पति भिखारी हो गया। अरे नहीं नहीं, देखो हम भिखारी नहीं हुए हैं। अरे है बंसी वाले, ये क्या हुआ? हमरा पति पागल हो गया। हम पागल नहीं है। कहाँ तक पहुँच गए हैं आप? का सौतन वोतन? अरे हम एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। बात सुनिए, देखिए खबरदार, जो हमको हाथ लगाने का कोशिश भी किया तो ये लक्ष्मण रेखा, ये को पार मत करना, वरना हम बता देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारे जैसे रावण हर गली गली कूचे कूचे नुक्कड़ पर चक्कर लगाते रहते हैं। देखे सरोजी, हम आपको अंदर आने दीजिए, हम आपको बताते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, यहाँ से जाओ, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। अरे बचाओ बंसी वाले हमको। सुनो, अरे सरोजी, सब कुछ भूल गई आप। हम कहते थे आपको प्लीज डोंट क्राई। आई हेट टीयर्स, और हमको टीयर्स दे दिए। रोइएगा बहुत, पछताइएगा। अरे बंसी वाले, जब भी हम रोते हैं तो हमरे रमेश जी हमको यही डायलॉग बोलकर मनाते हैं। इका मतलब ये हमरे रमेश जी हैं, ये हम काके बंसी वाले। रमेश जी, अरे हे बंसी वाले, ये तो सचमुच हमरे रमेश जी थे। कैसे आ गए? जाओ जाकर मेन गेट पर भीख मांगो। ओमी, ओमी, ओमी का बच्चा भी पूरा दिन सोता रहता है और बेघर लोग ऊपर आ जाते हैं। अरे मैं बेघर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। Shut up! मैं किसी भिखारी की बेटी नहीं हूँ। हाँ, मेरे डैडी थोड़े खंजूस जरूर हैं और पैसे वाले हैं। चलो जाओ यहाँ से। अरे बेटी, मेरे को अंदर आने दे, मेरे को बहुत भूख लगी है। वाह, आजकल के भिखारियों को देखो, भीख का खाना भी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना है। शक्ल देखिए अपनी। अरे उसी को तो धोने के लिए अंदर आना चाहता हूँ, शक्ल धोऊं तब भी पचाने की ना। ओके रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जय जो, तुम अंदर कैसे आ रहे हो? चलो बाहर निकलो। अरे ये बदबू नहीं है, ये जो मीठा रसगुल्ला है ना, उसकी खुशबू है। ओ तो तुम पहले से ही खा कर आए हो। चलो बाहर निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो बाहर, चलो भागो यहाँ से। अरे 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 मेरी पुटड़ी, मैं हूँ कट पीस काट के। घोट के डैडी तो नहीं? डैडी, रमेश जी हमको माफी दे दियो, हम आपको नहीं पहचान पाए। सॉरी डैडी, वो क्या है ना, आप एकदम भिखारी लग रहे थे। रमेश जी तनिक हमका ये बात बताइए कि आप लोगन का ऐसा हालत किया कौन? यस डैडी, किसने मेरे प्यारे डैडी को भिखारी बनाया?
अरे बाबा, हम लोग रूठों को मनाने गए थे। हाँ, होली न मनाने की जिद पे अड़े हैप्पी होम्स वालों को समझाने गए थे, पर वो लोग नहीं माने और उल्टा मारने लगे हमको ताने। दया रे दया, उन लोगन का ऐसा हिम्मत, पहले आपको ताने मारे, फिर आपको मारने का कोशिश किए। हम उन लोगन को छोड़ेंगे नहीं। डैडी, उन्होंने आपके इतने महंगी शर्ट में फाड़ डाले। देखो भाई, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या है, हमने उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने, हमारे को गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या किया हमने, अपने बाल नोच लिए, अपने कपड़े भी फाड़ दिए। कहा है कि वो जागृति जी का जो बेलन था ना, हम लेके अपने मुंह पे नक्शा बना लिए, देखो। वो शेर सिंह है ना, उसकी वो जो जंग लगी बंदूक गए, उसने मैंने अपना सर दे मारा। तो पांडे जी जब नहीं माने ना, तो हमने उनकी वो जो लठमार होली वाली लाठी थी वो उठा के अपनी सुताई कर ली। अरे भीषण और डाली को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, नहीं माने। फिर मैंने उन्हें और समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे को पकड़ कर मेरे मुंह में मल में बंगाली अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ डाल दी। मिस डैडी, ओह माय गॉड, आपने अपनी ड्रेस को फाड़ ली, आपने इतने महंगे कपड़े, आपको इतने कपड़े कैसे हो गए डैडी? अरे मेरा दिल इतना बड़ा है ना, ये हैप्पी होम सोसाइटी की खुशी में ना, पूरा हैप्पी होम भी उसमें समा गया ना, तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है। रमेश जी, आपने तो ये जो आपका शर्ट फाड़ा है ना, ये तो आपका फेवरेट वाला शर्ट है, फिर काहे फाड़ दिया, और ये को फाड़ते हुए आपका कलेजा नहीं फटा। कैसी बात करती हैं आप, मतलब देखे, हैप्पी होम सोसाइटी की खुशी के लिए अगर हमारी ऐसी हजार शर्ट भी कुर्बान हो तो हम तैयार हैं। पर गिनती का चार ही तो है आपके पास, लेकिन आप लोगों का ऐसा हालत क्या है, जब कोई नहीं माने ना, तो भी हम इतनी जोर से सोसाइटी के नीचे जाके चिल्लाने लगे, सोसाइटी की दीवारें हिलने लगी, वो जो पूरा चूना ऐसे गिरा हमारे ऊपर सोसाइटी की दीवार का। इसका मतलब अब होली ना ही मना पाएंगे का? और कैसे नहीं मना पाएंगे, कसम खाए हैं हम दोनों अपनी अपनी फटी हुई शर्ट की, शर्ट की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे हम। हम सबकी ईंट से ईंट मिला देंगे, लेकिन ये होली जरूर मनाएंगे। हे अग्नि देवता, मैंने आपकी कड़ी तपस्या की है, आप इस प्रह्लाद को जला देना, परंतु मुझे बचा लेना। मैं अपने भ्राता हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। चलिए, हम अग्नि स्तंभ में बैठने के लिए तैयार हैं। वाओ, ग्रेट! तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आगे क्लाइंट्स खाते हैं। हेमा दीदी, वो सब तो ठीक है, पर सब लोग एक दूसरे से बहुत नाराज है, तो हमारा प्ले देखने कौन आएगा? डोंट वरी, हमारा प्ले देखने सब लोग जरूर आएंगे। अरे पर कैसे? तुम अपनी मम्मी को बना लेना, मेघा अपने दादा दादी को बना लेगी, और हाँ, उम्मी अंकल, गालिया जी विष्णु अंकल को मना लेंगे, और सरोज आंटी मेरे दादाजी को अकुर बिरबो को मना लेंगे। राइट, अब चुटकी बजाते ही हमारा हैप्पी होम सोसाइटी फिर से यूनाइटेड हो जाएगा। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार साहब जी। मैडम जी, इस पर थोड़ा यहाँ साइन कर दीजिए मैडम जी। साइन कर दिया ना, अब की चाहिए? मुझे आप चाहिए मैडम। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे ना आप दोनों चाहिए होलिका दहन में। हाँ ओमी, तुम्हें पता है ना, सोसाइटी ने होली नहीं मनाने का डिसीजन लिया है। दादाजी, हमें पता है कि सोसाइटी ने इस बार होली नहीं मनाने का फैसला किया, लेकिन दादाजी आप सोचिए, अगर आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम का एक भी एपिसोड अगर मिस हो जाता है, तो आप कितना गुस्सा करते हो, है ना? जबकि उसका रिपीट टेलीकास्ट भी आता है। देखा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? दादाजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि होली का त्योहार तो साल में एक ही बार आता है, और उसका रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं होता। आप प्लीज मान जाइए ना दादाजी, प्लीज। इच्छा कैसे मान जाए हम? होली नहीं मनाने का सर्कुलर
हम खुद ही साइन किया और हम खुद ही उसको फॉलो ना करें? नहीं नहीं, ये चौलवे ना। ओ डॉली, मान जाओ ना, तुम अपना सर्कुलर वापस ले लो। तुम चुप करो। डॉली का सर्कुलर कोई हड़ताल नहीं, जो आज दिया और कल वापस ले लिया। नहीं 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 नहीं, डॉली और राजलक्ष्मी अपना सर्कुलर वापस भी ले ले तो भी मैं किसी को सोसाइटी में होली मनाने नहीं दूंगी, चाहे फिर गुजरात और बंगाल के बीच में युद्ध ही क्यों ना छिड़ जाए। यस करेक्ट मॉम, आप एकदम करेक्ट बोल रही हो। और वैसे भी वो डॉली आंटी और राजलक्ष्मी आंटी की सीरियल से ना पब्लिक बोर हो चुकी है। माँ, आप हैप्पी होम सोसाइटी की सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? हा? 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 देखो, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, अगर मैं होली मनाने चली जाऊंगी तो बेटा लोग सोचेंगे कि सेक्रेटरी साहिबा हार मान गई। मेघा, तू भी मेरी बात मानो, ये होली मनाने का जिद छोड़ दो। अच्छा ठीक है, आप लोग होली मनाने नहीं आ सकते, पर हमारा प्ले तो देखने आ सकते हो ना? प्ले? वो भी होलिका और प्रह्लाद के ऊपर? ऐसा तो हम पहले कभी नहीं सुना ना। उक्की है ना मैडम जी, हम हैप्पी होम्स वाले ना हमेशा कुछ नया करते हैं ना। मम्मी मम्मी सुन ना मम्मी, मेरे लिए भी एक नया चैलेंज है ना। अरे होलिका के रोल ने मेरे अंदर घुसी हुई काजोल, मीरा, सीता और अनारकली को उभार उभार के बाहर लाया ना, तो प्लीज मेरी एक्टिंग देखने आओ ना। ओवर एक्टिंग है? तेरी एक्टिंग तो पूरा दिन मैं घर में देखती रहती हूँ, और तेरी एक्टिंग देखने के लिए मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं है? अरे डॉली और राजलक्ष्मी के सामने तेरी मम्मी का भी तो कुछ वर्ड होना चाहिए कि नहीं है? अगर वो चेयरपर्सन और सेक्रेटरी है तो मैं भी सोसाइटी की मेंबर हूँ। मेंबर? दादाजी, अगर हमारे सोसाइटी में से एक भी मेंबर नहीं आएगा तो हम हमारा प्ले किसको दिखाएंगे? हम समझ गए, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आज अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ होते तो वो मुझे कभी नहीं रुलाते। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते। देखा बच्चों जी, आपने रुला दिया बेचारी को। इसका मतलब ये है कि इस बार सचमुच में होली ना मनेगी, मन्नत तो रोना आ रहा है। ओमी, तुमको रोना है या पागलों की तरह हौसला है, जो भी करना है बाहर जाके करो। हे भगवान, मुझे तो है ना ये होलिका के प्ले के बारे में सोच के ही हंसी आ रही है। ये जलपाड़ी, तू हंस मत, तेरे अंदर भी ना डायरेक्शन का ऐसे फूल एनाकोंडा छुपा बैठा है। ये बन्ने छिपक लियो, कैसे आपस में लड़ने बैठी हो हैं? अरे रज्जो जी, आप हमसे क्यों लड़ाई कर रही हैं? अरे जिस नाटक में हमारी घर की बच्ची काम कर रही है वो हम देखने क्यों नहीं जाएंगे? ये सब आपकी वजह से हुआ है जी, जरूरत थी जलपा से बहस करने की। अरे बाबा डॉली, हम कुलबीर से कोई बहस नहीं किया, ये सारा बहस हमारा पांडे भाई किया है। एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं आ सकती मतलब नहीं आ सकती। और मॉम के बिना मैं भी नहीं आ सकती। हम डॉली के बिना कैसे आ सकता है? हमें तो तुम्हारे साथ नहीं डॉली के साथ रहना है ना। सुनो मेघा बेटी, तुम्हारा ये नाटक देखने के लिए कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाओगे जी, बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर आप जाओगे ना, आप लठमार होली खेलने के लिए जो लाठिया इकट्ठा किया है ना, लेके आए है ना, वो आप ही के ऊपर प्रयोग होगा। सरोज जी, देखिए आप जो ये नथुना फुला के रहते हैं ना गुस्से में, बहुत ही फैंटास्टिक नहीं लगते हैं? अरे देखिए, हम कब से रहे हैं आपको पुकार और आप सुन ही नहीं रहे हमरे दिल की चीत्कार। What is the problem? Tell me. देखिए रमेश जी, हम ना आपको कह देते हैं, जब सब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार होली ना ही मनाना है, तो आप मान काहे नहीं लेते? सबको मनाने के लिए यहाँ उहाँ यहाँ उहाँ काहे भटक रहे हैं? हाँ बताइए, कौनो आपकी बात सुन भी रहा है का? अरे ये हमारे घर का मामला है। देखिए क्या है कि इस सोसाइटी में जो आदमी लोग रहता है वो अलग अलग थोड़े ही है, सब एक ही है। अरे ओमी,
अपना सोसाइटी में कोई मर गया है क्या? नहीं तो? अरे वो देखो, वो चिटा बना के रखा है। देखता है तो इस सोसाइटी में जो आदमी लोग रहता है वो अलग अलग थोड़े ही है, सब एक ही है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई रूठ जाता है घर में तो उसका मनाना चाहिए कि ना चाहिए, बोला? हाँ, पर जब कौनो आपकी बात का मान ना ही रखता है ना, तो हमको अच्छा ना ही लगता है। अरे काहे चिंता करते हैं, क्या हुआ जो दो चार जगह से हमारा दो चार कपड़ा वपड़ा फट वट गया तो है? अब बच्चों के पिले में ना सब सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दैया रे दैया, इतना अपमान होने के बाद भी आपको नौटंकी का पड़ा है। देखिए हम आपसे कह देते हैं, अगर आप वहाँ अकेले ही चले गए ना तो सब लोगों की आंखों का कांटा बन जाएंगे। हाँ सरोज जी, आपका मिलीमीटर का किलोमीटर बना रहे हैं भाई, मतलब राई का पहाड़ बना रहे हैं। अरे आप चिंता न कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए रमेश जी, आप हमसे सच्चा वाला प्रेम करते हैं ना? हाँ, तो फिर जो हम कह रहे हैं आप मानेंगे। जब तक ये बात का फैसला ना ही हो जाता है ना, तब तक आप उन नौटंकी के लिए नहीं जाएंगे। अरे क्या कह दिए हैं सरोज जी, देखिए बुरे फंस गए हैं हम, अब हम क्या करें? हम अपने घर की आग बुझाएं कि वहां जाके होलिका जलाएं? पापा जी, क्या बात है कुलवीर पुत्र, क्यों है या? मुझे ना आपसे कुछ कहना है। देख जो कुछ कहना है ना फटाफट कह दे, तीन गन की गोलियों की तरह ना अपनी बातें दाग दे, सवालों की जड़ी मत लगाना। हाँ पापा जी, सवालों की जड़ी ना तो मेरे मन में लगी हुई है। वो क्या है ना, मुझे लग रहा है कि हैप्पी होम्स में ना जो भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ ना। मैं पांडे अंकल और भीषण अंकल से बहस करती और ना ही मैं आपको आके सारी बातें बताती और ना ही ये सब होता, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। गल तो तेरी सही है कुलबीर पुत्र, लेकिन गलती सिर्फ तेरी थोड़ा है। और ये पांडे जी और ये पिछोन, ये दोनों भी कुछ कम नहीं है, एक ही बीवी सेक्रेटरी है दूसरे की चेयरपर्सन, उनके सामने तो इनकी दाल गलती नहीं, कुछ बोला जाता नहीं, बस बाहर आके तुम बच्चों से लड़ते हैं। पापा जी मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे माफी मांग लूं। खबरदार खबरदार जो माफी मांगने की बात की। देखो मैं मानता हूँ कि गलती तेरे से हुई है, पर तू शेर सिंह की बेटी है, वही शेर सिंह की बंदूक से निकली हुई गोली वापस बंदूक में नहीं आ सकती। पर पापा जी बंदूक को तो जंग लग गया, कल्ला बंगार वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। सर मैं उस बंदूक की बात नहीं कर रहा हूँ, और शेर सिंह की जबान भी किसी बंदूक से कम नहीं है, और मेरी जबान से ये बात निकल चुकी है कि इस बार होली नहीं मनाई जाएगी, और इसलिए रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह अपनी बंदूक से फिर नहीं मेरा मतलब है अपनी जबान से फिर नहीं सकता। पापा जी गल दसो, अपने आखिरी बार बंदूक कब चलाई थी? देख देख सवालों के गोले फिर से बरसाना बंद कर, वरना मैं नई बंदूक खरीदने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। बस करेक्ट 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 आ गया। अरे किरण ने क्या आया निकला भलटा सलटा जगह में, इधर हमारा घर नहीं है, हम नहीं रहता इधर। हैप्पी होम सोसाइटी यही है। अरे तेरे को बोला ना इधर हमारा घर नहीं है, हम नहीं रहता है, चलो चलो आगे चलता है। बोला ना नहीं है। ए ढूंढने से है ना भगवान भी मिल जाता है, चलो चलो आगे जाके ढूंढता है, चलो। अरे अरे सब्जी, अरे गठेरा ओमी तू इधर, हैप्पी होम का नौकरी छोड़ के इधर आ गया, इधर भी काम चोरी करेगा ना अखा दिन सोएगा। अरे साहब जी यही हैप्पी होम्स है।
अच्छा हा? यही हैप्पी होम्स है? ए, कब से तू क्यों नहीं बोल रहा है कि ये हैप्पी होम्स है? दिमाग खराब करके रख दिया। ए, ए, अरे पैसा ले जाओ। अजब किस्म का पागल आदमी है। छोड़ो ना साहब जी। अरे ओमी, अपना सोसाइटी में कोई मर गया है क्या? नहीं तो। अरे वो देखो, वो चिटा बना के रखा है। अरे वो, अरे नहीं साहब जी, ये लकड़ियां तो होलिका जलाने के लिए मंगाई थी। होली? हाँ। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए ना, कल होली है, परसों दिवाली है। दारू अन्ना, हम आपकी इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का जो रूल है ना, वो नहीं बदल सकता है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए ना, कल होली है, परसों दिवाली है। बस साहब जी, दिवाली ने बहुत टाइम है अभी। अरे छोरो छोरो, दिवाली कभी भी आने दो, लेकिन कल होली है। कल मजा करेगा, एक दूसरे पे कलर डालेगा, पिचकारी डालेगा, मिठाई खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, खूब खेलेगा और फिर होज में कूदेगा। एकदम मजारी लाइफ। हा? अरे साहब जी, इस बार होज में नहीं कूद पाओगे। हाँ क्यों, कोई अकाल पड़ा है क्या? हाँ, होली मनाने की उम्मीदों पे अकाल पड़ा है। मतलब इस साल हैप्पी होम सोसाइटी में होली नहीं मनेगी? दारू अन्ना, आप समझता क्यों नहीं है? अरे हम होली नहीं मनाने का फैसला सिर्फ सोसाइटी के अच्छे के लिए किया है। बराबर है, बराबर है। आप लोग कुर्सी पे बैठा है, आप लोग को पावर है, आप डिसीजन ले सकता है। लेकिन मेरा भी एक बात सुनो, देखो ये होली का फेस्टिवल है और हमारा तो है भी नहीं, हम तो पारसी बाबा है, लेकिन हर साल होली के अंदर हम उछल कूद के फेस्टिवल मनाता है। मालूम है क्यों? जब मैं और शिरीन स्टेडी रहता था ना, तो होली का दिन हम लोग इतना नाचता था, गाता था, कलर डालता था एक दूसरे के ऊपर, खूब उछलता था, कूदता था, और अचानक एक दूसरे के सामने आ जाता था ना, डर जाता था ऐसा। दारू वाला जी, क्या आपने आपकी और सिरीन जी की कहानी सुनाने के लिए ऑफिस में आया है? देखो दरवाला जी, आपका हमने लिहाज किया, इसलिए रात को ऑफिस खोला है कि नहीं? नहीं तो ये बात तो घर पे भी हो सकता था ना? नहीं नहीं, दिख रहा बराबर है, हो सकता था, लेकिन मैंने काहे को रिक्वेस्ट किया आपको? मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया कि देखो, पूरा सोसाइटी का ये मुद्दा है, हा? तो पीछे सोसाइटी का ऑफिस में डिस्कस होना मांगता है ना। अभी सोचो, ये ओमी का कैबिन के अंदर बैठ के हम अगर हमारा होम्योपैथिक गोली का पुड़िया बनाएगा तो कैसा रहेगा? बहुत हो गया दारू अन्ना। हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का जो रोल है ना, वो नहीं बदल सकता है, समझा करो आप। चलो डॉली, एक मिनट प्लीज बैठो। हमारा एक लास्ट बात सुन के जाओ। ये होली का फेस्टिवल है, साल में एक ही बार आता है, बच्चा बूढ़ा जवान अंकल आंटी सब खुशी खुशी होली का फेस्टिवल मनाते हैं। होली का दिन शाम को होली का पवित्र आग के अंदर जितना भी नेगेटिविटी है, दुश्मनावट है, बैर भाव है, सब जल के खलास होता है। और दूसरे दिन सब प्यार से एक दूसरे को गले मिलता है और रंग छिड़कता है। मैं और डाली ये डिसाइड किया है कि हम दोनों रिसाइन, इस्तीफा दे देंगे ये पद से। मस्त कलंदर, 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 मस्त कलंदर।